Hey guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. So guys, after a really really long time I am up with a video, but late is better than never. So मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी. लेकिन उससे पहले, if you are watching me for the first time, so hello जी, I am सृष्टि चतुर्वेदी, जो बनाती हूँ बहुत ही इजी रेसिपीज विदाउट इनियन गार्लिक विद मिनिमम इंग्रीडियंट. तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर सकते हैं, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट से आपको मिलती रहे. तो गाइस, आज की जो रेसिपी है वो है एक इवनिंग टाइम स्नैक. मैं यहाँ बात कर रही हूँ चना कोली वाड़ा की. तो बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है और बहुत अच्छे स्पाइसेस हैं इसके. सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. सो बहुत हो गई हैं बातें, लेट्स बिगिन. सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये चने पूरी रात के लिए सोक कर लिए थे. अब मैं इनका पानी निकाल कर इनको कुकर में 2 कप पानी के साथ अच्छे से 3 से 4 सीटी लगने तक बॉईल कर लेती हूँ. बहुत ज़्यादा बॉईल हमें नहीं करना है. सो बस यहाँ पर मैंने अब लिया है 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल. अगर आप चाहें तो आप मस्टर्ड ऑयल भी, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं. डालते हैं 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, अजवाइन 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काला नमक, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, काली मिर्च 1 टीस्पून, और अब डालते हैं 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर. कॉर्न स्टार्च हो अगर आपके पास तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. और अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेते हैं. और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ की है, और बस अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है. अब थोड़ा नॉर्मल नमक मैंने यहाँ पर डाला है, सॉल्ट का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें. और अब मैं यहाँ पर डालती हूँ पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और साथ के साथ इसको मिलाना भी है. इस तरह से हम अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे. सो गाइज, यहाँ पर ये मेरा स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है. अगर आपका थोड़ा पतला हो जाता है तो आप कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्न फ्लोर और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पर मेरे ये चिक पीस बॉयल हो गए थे, और ये अच्छे से देखिए बॉयल हो गए हैं. तो बस अब जो मैंने बैटर रेडी किया था उसमें मैं इनको ऐड कर लूँगी. बहुत डेलिकेटली आपको ये ऐड करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इनको स्मैश नहीं करना है इसमें. तो अच्छे से आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें. और रिमेनिंग जो थे वो भी मैंने ऐड कर लिए हैं, और इतना बैटर काफ़ी हो गया था. देखिए, तो अच्छे से ये कोटिंग हो गई है इसमें. देखिए, ये मेरा रेडी है अब. सो मीडियम हॉट ऑयल में मैं यहाँ पर इनको डाल रही हूँ, और आपको एक एक करके इसको डालना है, जिससे ये थोड़े खिले खिले बने, क्योंकि एक साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगने वाले हैं. और लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन एक एक कर इसको डालें जिससे अलग अलग चना दिखे. और देखिए, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं. तो बहुत अच्छा इनका रेडिश कलर आ रहा था, लेकिन कैमरे में शो नहीं हो पा रहा है. लेकिन आप बनाएंगे तो आप खुद भी देखेंगे कितना ज़्यादा अच्छे ये लग रहे थे. सो गाइस, ये मेरे यहाँ पर रेडी हैं. अब इसको थोड़ा सा सैम्पल कर लेते हैं हम. तो यहाँ पर मैंने बोल में इसको ले लिया है. हम डालते हैं कड़ी पत्ता, अगर आप चाहें तो धनिया यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने डाली है हरी मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस, और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते हैं. सो गाइस, ये तो रेडी हो गया है, और अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग. सो हेयर इट इज गाइस, मेरा इवनिंग टाइम स्नैक रेडी है. मैंने यहाँ पर इसको गार्निश किया है लेमन और ग्रीन चिल्ली के साथ, और मैंने यहाँ पर इसके साथ ये डिप बनाई है मेयोनीज और रेड चिली पाउडर के साथ. तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी. डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगेगी. अगर आप चाहें तो आप इसको हरे धनिए की चटनी या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं. तो वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय.